हे गाइस, दिस इज स्टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टैरी टेक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले लॉसेस के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, ट्रांसफार्मर बेसिकली एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जो कि हाई वोल्टेज एसी करंट को लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज एसी करंट को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एंड एक ट्रांसफार्मर का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जिसमें कि एक फेरोमैग्नेटिक कोर होता है और कोर के दोनों साइड पर इंसुलेटेड कॉपर वायर का दो वाइंडिंग होता है, जिसमें से एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग एंड दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। और इनपुट एसी वोल्टेज सोर्स प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर दिया जाता है एंड आउटपुट मिलता है सेकेंडरी वाइंडिंग से। और एक ट्रांसफार्मर कैसे इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, इसके बारे में जानने के लिए ऊपर इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। सो गाइस, ट्रांसफार्मर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में जब इनपुट एसी वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है तो फिर उसके अंदर से करंट फ्लो करने लगता है। और कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होने की वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एंड इस मैग्नेटिक फील्ड के कुछ फील्ड लाइंस जाता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, जिस वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है एंड इसके अंदर से करंट फ्लो करने लगता है। एंड पिक्चर में ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है वो सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा है, जिस वजह से इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा, यानी कि ई एस ग्रेटर देन ई पी होगा। सो गाइस, एक ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट में जितना अमाउंट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है, आउटपुट के अंदर उससे कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब वर्किंग कंडीशन में रहता है तब बहुत सारा हीट एनर्जी बाहर डिस्चार्ज होता है एंड उसके साथ साथ कुछ अमाउंट का साउंड एनर्जी भी निकलता है। और एक ट्रांसफार्मर के अंदर मेन तीन तरह के लॉसेस देखने को मिलता है, और उनमें से सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, एंड सेकेंड नंबर पर आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल का हीट, और थर्ड नंबर पर आता है आयरन कोर के अंदर ईडी करंट की वजह से हीट जनरेट होना। सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीकेज, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। और एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में जब एसी वोल्टेज सोर्स दिया जाता है तब प्राइमरी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसमें से कुछ फील्ड लाइन सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर पहुंचता है, लेकिन कुछ लाइन ऐसा भी होता है जो कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर नहीं पहुंचता। उन सभी फील्ड लाइन्स को जनरेट करने के लिए जो एनर्जी यूज हुआ था वो आउटपुट में नहीं मिलता, यानी कि वो एनर्जी लॉस हो जाता है। और सेकेंड जो लॉस का कारण है वो होता है हीट डिस्पर्शन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। और एक ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में बहुत लंबे कॉपर वायर का लूप बना के वाइंडिंग किया जाता है, और इतने लंबे वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, और इतने लंबे कॉपर वायर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है तब इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट का हीट बाहर डिस्चार्ज होता है, जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी लॉस का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और थर्ड नंबर पर आता है हीट डिस्पर्शन फ्रॉम आयरन कोर। और एक ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल में एसी करंट फ्लो होने की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से आयरन कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर एडी करंट जनरेट होता है। और कोर का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से जब एडी करंट उस रेजिस्टेंस के थ्रू पास करता है तब बहुत ह्यूज अमाउंट का हीट आयरन कोर के अंदर से बाहर डिस्चार्ज होता है, जो कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी लॉस का सबसे बड़ा रीजन है। एक और टाइप का लॉस ट्रांसफार्मर के अंदर देखने को मिलता है, वो होता है हमिंग लॉस। एक बड़े साइज का ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में जब बहुत ह्यूज अमाउंट का एसी करंट फ्लो करता है और एसी करंट के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट का फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन कोर वाइब्रेट करने लगता है, और इस कोर वाइब्रेशन की वजह से आसपास के एरिया में जो एयर है उस एयर के अंदर एक वाइब्रेशन देखने को मिलता है, और इस वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसफार्मर के अंदर से एक हमिंग साउंड निकलता है एंड इस तरह से साउंड के रूप में भी ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ एनर्जी लॉस होता है। सो गाइस, यही था कुछ रीज़न जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी लॉस देखने को मिलता है। और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।